हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी जो साड़ियों की पुरानी लेस होती हैं, जो हम साड़ी निकालते हैं उसकी लेस कहीं से उधर जाती है, तो कोई कोई साड़ी की हम पूरी लेस उतार कर रख देते हैं। तो देखिए, ये मेरी मैंने साड़ी की लेस पूरी उतार के रख दी है। ऐसे ही इस वाली साड़ी की मैंने लेस, क्योंकि पायल बिछुओं से लेस फट जाती है, देखो। तो ये मेरी मम्मी ने उतार के अपनी साड़ियों की लेस रख दी थी। क्या करेंगे इसके लिए, वेस्ट कट करेंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने चादर का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास कोई भी सादा पैंट हो या टॉवल हो या चादर का कपड़ा हो, आप उसमें से इस तरीके की वेस्ट कट कर सकती हैं। तो इसकी चौड़ाई है देखो 19 इंची, 25 इंची इसकी लंबाई है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से, यानी इस तरीके से डबल करेंगे। देखो मैंने डबल कर लिया है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे दोनों तरफ। देखो मैंने ये निशान लगा लिए यहाँ पे। अब एक हम बीच में रखेंगे इसे, इस तरीके से सेंटर पे लगाएंगे निशान, इस तरीके से सेंटर पे लगाएंगे और इधर की साइड भी निशान लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने ये 3 निशान लंबाई में लगाए हैं और 2 निशान चौड़ाई में लगाए हैं। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको इसकी डिजाइन बना के दिखाऊंगी। उससे भी पहले हम क्या करेंगे, एक बार और देखिए, यहां से देखो, यहां से यहां तक इस तरीके से, देखो एक बार आपको दिख रहा होगा, तो यहां से यहां तक इस पे निशान लगाएंगे इस तरीके का। अगर आपके पास फुटा हो तो आप उससे भी नाप कर लें, क्योंकि फुटा से अच्छे निशान लग जाते हैं, इससे भी अच्छे लग जाते हैं, मगर आपकी मर्जी है, आप फुटा से भी लगा सकती हैं। देखिए ऐसे ही हम चारों तरफ कोनों पे निशान लगाएंगे। ये मैंने इसे चारों तरफ से कवर कर लिया है। अब क्या करेंगे, अपनी लेस लेंगे और लेस को सीधी तरफ से, देखो मेरी ये सीधी तरफ है लेस, इस तरीके से सीधी तरफ से यहाँ पे इसे सिलाई कर देंगे। यहाँ पे इस वाली किनारे से सिलाई करेंगे, देखो इस वाली पे बीच में रखेंगे, बिल्कुल सेंटर पे इस वाली लेस को लूंगी। देखो अब यहाँ से यहाँ तक, यानी फिर इसे कट करेंगे, फिर इसके बाद इसे सिलेंगे। जो निशान से बार पट्टी नहीं सिलनी है, मैं आपको एक तरफ की सिल के दिखाती हूँ। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ डोरमैट बनाने का, घर पे लेस से बना सकती हैं आप, या साड़ियों की पट्टियां इसी तरीके से कट कर लें उनसे भी बना सकती हैं, या कोई लेगी पजामी कुछ भी हो आपके पास, इस तरीके से पट्टियां कट करें 2-2 इंची की और फिर अपनी डिजाइन इसी तरीके से बना लें। तो देखिए मैंने ये 2 पट्टियां सिल ली हैं। देखो अब मैं रेड कलर की लगाऊंगी, तो वो पट्टी मैं कैसे लगाऊंगी, देखो इस तरीके से यहां से ऐसे करके ऐसे यहां तक ऐसे, फिर यहां से हम कट कर देंगे अपनी पट्टी को, फिर काले कलर की लगाएंगे ये वाली पट्टी, फिर रेड कलर की, फिर ये वाली, ऐसे ही लगाते जाएंगे अपनी पूरी सिलाई यहां तक कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो देख रहे हैं आप, मैंने इस तरीके से ये सभी लेसेस ली है इधर की साइड से रख रख के। अब क्या करेंगे, अब ये वाली साइड रह गई है हमारी, तो अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे,
और इसे सिल देंगे। या इधर की साइड में हम ऐसे सिलेंगे, इधर की साइड में कैसे सिलेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने रेड कलर रखा है, फिर हम ये वाला कलर रखेंगे इसके ऊपर, इसे रखेंगे इसके ऊपर, हम इस वाली लेस को रखेंगे, ऐसे सिलेंगे अपनी पट्टी। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी, पहले इसे सिल लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो देखिए मैंने ये चारों तरफ के यानी तीन तरफ के गोले इस तरीके से ये कोने बना लिए हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी, देखो इस तरीके से। ऐसे ही मैंने इधर की साइड को सिलाया है, देखो। अगर आप गोल आकार में सिलना चाहती हैं तो भी इस तरीके से सिल सकती हैं। अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगी तो मैं आपको सिल के भी बता दूंगी कि इस तरीके से ये मैंने सिला है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है डोरमेट। देखो कितना सुंदर सा, प्यारा सा, क्यूट जैसा ये लग रहा है, जैसे कि मार्केट से लेके आए हैं हम। तो देखिए इसी तरीके से इस वाले कोनों को भी हम रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी ये चारों कोने रेडी कर लिए हैं। अब इस पे मैंने तीन तरफ किनारी को सेट कर दिया है, देखो इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ये सेट नहीं की है मैंने किनारी, तो इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने ये वाली की है। ऐसे बस इस किनारी पे इस तरीके से पट्टी को रखकर सिलना है। ये भी मेरी साड़ी की लेस है, ये वाली भी। तो इसी तरीके से अपना ये डोरमैट फिनिश करना है। ये मैंने रंगोली की जगह पे रखने के लिए बनाया है, देखो। आप इस पे रंगोली की तरह इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। और आप इसे मेज पर भी डाल सकती हैं। तो कोई लेस मेरी इसमें सभी, देखो कितनी अच्छी लग रही है ये, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, न्यू साड़ी की है ये। आप चाहे, आपको ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, आप उसका डोरमैट बना रही हैं या गद्दों पर चढ़ा रही हैं साड़ी की खोली बनाकर, तो न्यू लेस हम उतार देते हैं, उसका ये डोरमैट है। आप इस तरीके से पुरानी साड़ियों का भी यानी पुरानी साड़ी की लेस का भी डोरमैट बना सकती हैं, ये किसी में से भी बन जाएगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है बनकर, आप भी इस तरह से बना लें। इसमें सुई धागे का इस्तेमाल है बस, सिलाइयों का और किसी चीज़ का इसमें इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि किसी पर भी सिलाइयों से आता है बनाना, किसी पर नहीं आता है। तो आप इस तरीके से मशीन से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मशीन भी नहीं है तो आप सुई धागे से भी बना सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली ये लेस की पट्टियाँ, छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या बड़ी फिर उससे छोटी, इस तरीके से कट कर लें और अपना ये डोरमैट इस तरीके से सिल लें। तो चलिए इसे पहले हम इसकी किनारी को भी सेट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये डोरमैट मेरा पूरी तरह से तैयार है। देखो मैंने इसकी किनारी भी ये वाली सेट कर ली है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लेस को कट करके मैंने छोटा छोटा बड़ा बड़ा कट किया है लेस को, और ये मैंने वहीं पे सिलाई के साथ अटैच कर दिया है। इसकी किनारी भी रख ली है मैंने लेस की, और देखो कोनों पर ऐसे मैंने दो दो चुन्नटें डाली हुई हैं कोनों पर, देखो। तो ये मेरा डोरमैट पूरी तरह से सिल के और बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।